जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहाँ पर मौके बन रहे हैं मिडकैप स्पेस में, कहाँ क्या चुना है आपने? अभिषेक, पहले तो ये डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी के अनुसार इसको लिया है, और मैं यही क्लियर वापस करना चाहूंगा कि ऐसे कॉन्ट्रेरियन बेट आप इस पे नजर दे सकते हो और सारे इन्वेस्टर्स इसको ले सकते हैं प्योर ऐसे कॉन्ट्रेरियन बेट, क्योंकि बाजार में पिछले दो मार्केट दो स्तरों से ये अभी अपर सर्किट में चल रहा है, आज भी अपर सर्किट में है। पेटीएम है कंपनी का नाम। अब हाल ही में काफी न्यूज में थी पेटीएम, और काफी इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था जैसे कोई पेटीएम बंद होके कंपनी खत्म हो जाएगी। अब 15 मार्च चला गया है, आज सुबह भी मैंने पेटीएम के ऐप पे ट्रांजेक्शन किया है और पेटीएम वैसे के वैसे ही चल रहा है। जो पेटीएम बैंक था, बैंक का जो था वो खाली बंद हुआ है और बाकी ऐप पूरा का पूरा चल रहा है। तो और अब जो अकाउंट्स है पेटीएम हैंडल भी चलेगा, इनका ऑलरेडी टाई अप हो चुका है यस बैंक एक्सिस बैंक से, तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि एज यूजुअल कंपनी एक नए अवतार में आपका वो ट्रांजेक्शन जैसे जा रहा था वो जा रहा है। अब देखिए, मुझे लगता है कि ये 440 तक जा सकता है, मैंने जैसे कहा ऐसे डिस्क्लोजर ये मेरे होल्डिंग में भी है, 440 तक जा सकता है, और क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूट बेट है आपको एक स्टॉप लॉस लेके जरूर चलना चाहिए, क्योंकि जनरली मैं स्टॉप लॉसेस देता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसमें करीबन अगर 367 के नीचे अगर बंद होता है तो वो आपको स्टॉप लॉस के रूप में इसको लेना होगा, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ये नहीं होने वाला है, मतलब स्टॉप लॉस नहीं आने वाला है, ये 400 के ऊपर आपको कल दिख जाएगा और इस हफ्ते हो सकता है कि, मतलब 6 महीने का ड्यूरेशन दे रहा हूँ मैं ज्यादा ज्यादा, आपको 440 तक ये दिख जाएगा। तो कंपनी एज यूजुअल है, नाउ थर्ड पार्टी पेमेंट्स सर्विस प्रोवाइडर बन गई है कंपनी, और ये नए रूप में बिजनेस ऐसे के ऐसे जारी रहेगा, और जो पेनेट्रेशन पेटीएम का है इस पे बहुत आगे चल के मुझे लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा।